स्टार प्लस का पुराना धारावाहिक इस प्यार को क्या नाम दूं? एक बार फिर से अपने पुराने को स्टार्स के साथ कुछ नए को स्टार को लेकर एक नए ट्विस्ट एंड टर्न, एक नई लव स्टोरी के साथ पूरे 12 सालों के बाद टेलीविजन इंडस्ट्री में दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब स्टार प्लस के मेकर्स ने फाइनली ट्विटर के जरिए इस चीज का अनाउंसमेंट कर दिया है कि इस प्यार को क्या नाम दूं जश्न इश्क का टेलीविजन इंडस्ट्री में दस्तक दे रहा है। एक पोस्टर रिवील किया गया है जिसमें हम साफ तौर पर तनाया और वरुण को एक बेबी के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस बेबी के जरिए ही अब इस कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक हम सभी ने देखा है कि जब भी किसी पुराने शो का एक नया सीजन टेलीविजन पर दस्तक देता है तो लोगों के बीच एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि इस कहानी से लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। और ऐसा ही कुछ इस कहानी के साथ भी हो रहा है, तभी तो लगातार फैंस इस पोस्टर को लगातार शेयर कर रहे हैं। और लोगों का ये मानना है कि इस कहानी को लेकर लोगों के जो इमोशंस थे वो बिल्कुल प्योर थे, और आने वाले टाइम पे इस कहानी से लोग और भी ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। दोस्तों फाइनली बता दें कि सनाया ईरानी ने टेलीविजन इंडस्ट्री में कमबैक करने का फैसला लिया है पूरे 12 सालों के बाद। दोस्तों कितने एक्साइटेड हैं आप? कमेंट के जरिए हमें अपनी राय पर जरूर कर दीजिएगा। एंटरटेनमेंट और बड़े और छोटे पर्दे से जुड़ी हर खबर लगातार सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल मिनी टीवी को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। वे अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।